में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी मौन सत्याग्रह शुरू हो चुका है। गांधी मैदान प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पहुंची हुई हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। मोहन मरकाम समेत कई दिग्गज मौन सत्याग्रह में शामिल हैं। राहुल गांधी के समर्थन में यहां पर कांग्रेस की ओर से मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अंकुश जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। अंकुश, मैं तस्वीरों के जरिए देख सकती हूँ किस तरीके से मौन सत्याग्रह गांधी मैदान में चल रहा है। यहाँ पर कुमारी सैलजा, टीएस सिंहदेव समेत कई दिग्गज हैं कांग्रेस के। किस तरीके से अब आगे की रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी कांग्रेस की ओर से? जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है मौन सत्याग्रह कर रही है और प्रदेश व्यापी ये मौन सत्याग्रह राजधानी रायपुर के गांधी किया जा रहा है। गांधी मैदान में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी विजय जांगीर, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव गांधी मैदान में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी इस मौन प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये करीब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का ये पूरा प्रदर्शन है और जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वर्तमान की जो भारत सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, उसी का विरोध आज यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है। अंकुश, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में यहां पर मौन सत्याग्रह किया जा रहा है, तमाम बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के यहां पर नजर आ रहे हैं, इससे आने वाले राजनीतिक हालात में कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के समर्थन में ये सत्याग्रह शुरू किया है, इसकी शुरुआत जो है पहले ही हो चुकी थी और अब प्रदेश मुख्यालय पर इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की। कुल मिलाकर जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये खास बात यह है कि विरोध प्रदर्शन जो है मौन सत्याग्रह के माध्यम से किया जा रहा है। गांधी जी के रास्ते पर चलकर इस तरीके के प्रदर्शन का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि देश में किस तरीके का माहौल है और उस माहौल को दूर करने के लिए, उस माहौल से खुद को बचाने के लिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है और इसी तरीके की रणनीति आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी बनाने वाली है और इसी तरीके की रणनीति पर चलने की पूरी प्लानिंग। चलिए अंकुश, आप नजर बनाकर रखें, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप देखिए, गांधी मैदान में ये मौन सत्याग्रह कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। कुमारी सैलजा समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी है यहां पर। टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम, तमाम जो बड़े चेहरे